ये आंसर की है जो हरियाणा पुलिस का पहली पहली शिफ्ट का एग्जाम होता है उसकी पहला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन था जिसका आंसर 175 है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है टू इसमें परफेक्ट स्क्वायर बताना था तीन सौ बानवे का परफेक्ट स्क्वायर सात सौ चौरासी हो गया जो परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है इसके बाद ये नंबर बताना था जो दो रिमाइंडर देता है इनके साथ डिवाइड करने पर पचास ऐसा नंबर है ठीक है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था नेक्स्ट जिसका डेढ़ सौ रुपये आंसर है ठीक है नेक्स्ट का आंसर है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का था टू पॉइंट जीरो फोर रहेगा ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का है जिसका आंसर आएगा थर्टी सिक्स ईयर एंड फिफ्टी टू डेज़ और नेक्स्ट क्वेश्चन ये वर्क एंड टाइम का है जिसमें फाइव डेज आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस का है जिसका बारह सेकेंड आंसर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एवरेज एवरेज का पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जिसका आंसर आएगा सिक्सटीन थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो था ये ये सरफेस एरिया का क्वेश्चन है आई आर एल आंसर फॉर्मूला लगेगा इसमें और आंसर आ जाएगा रुपीज़ ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन था यूरिया संयंत्र का है, ये पानीपत में है एन एच इकहत्तर ये रोहतक से पानीपत को जोड़ता है मेनली गुहाना के थ्रू यह जाता है नार जो जय वण्य रेवाड़ी रे में है धर्मवीर इसका आंसर आना था धर्मवीरा लिख रखा है कोई नहीं दो हज़ार इक्कीस में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा इक्कीसवें नंबर पर है फाग नृत्य वो है जिसमें लोग दोनों पुरुष और स्त्रियां नृत्य करती हैं ली कार आएगा नेक्स्ट का कितने भागों में डिवाइड किया गया छः भागों में इब्राहिम लाल सूरी ये कहाँ का था कहाँ मकबरा नारनोल में है हिरण पार्क महम में है ये नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं श्योर नहीं हूँ बट इसका आंसर एक आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पुत्र आंसर आएगा इसका बी आंसर आएगा नेक्स्ट का सिक्सटीन और ट्वेल्व आएगा क्योंकि हर एक जो मल्टीपल है वो एट का है ये नहीं है नेक्स्ट का क्वेश्चन का आंसर थ्री किलोमीटर आएगा नेक्स्ट का ट्वेंटी वन आएगा नेक्स्ट का सी आएगा और नेक्स्ट का कंक्लूज़न वन निकल रहा है वैसे इसका आंसर डी भी हो सकता है पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कंक्लूज़न वन इसका फॉलो हो रहा है ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट का थर्टी थ्री आएगा उसे नेक्स्ट का टू ट्वेंटी फाइव आएगा और इसका प्राइमरी आएगा इसका पुत्र आएगा इसका डी आंसर आएगा थर्टी फोर्थ का सी आंसर आएगा थर्टी फिफ्थ का फोर्टीन किलोमीटर थर्टी सिक्सथ का सिक्सटीन है ट्वेंटी वन एंड थर्टी सेवन का टीचर थर्टी एट्थ के निष्कर्ष दोनों ही निकल रहे हैं उनतालीसवें का जो आएगा वो आठवा आएगा चालीसवें का दो सौ सोलह आएगा इकतालीसवें का साक्षी गर्ग आएगा बयालीसवें का दो है और तिरतालीसवें का डी आएगा चौवालीसवें का दो घंटे हाल ही फिलहाल में की गई थी आठ से दस घंटे में बदल दिए गए थे पैंतालीसवें का करनाल आएगा छियालीसवें का अम्बाला आएगा और सैंतालीसवें का नवदीप सैनी को जो करनाल के हैं फिक्की फिक्की के 2019 की रानी रामपाल थी और साथ में सौरभ चौधरी थे जो यूपी के शूटर हैं तो रानी रामपाल आंसर है नेक्स्ट का ई मोनिटरिंग स्कीम थी अगले का आंसर वैसे मधुबन आएगा पर मधुबन नहीं है तो करनाल का और जो इसमें शहर है वो गरौंडा है तो गोरौंडे का आंसर किया मैंने विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं तो ये नहीं आएगा कैपिलरी सबसे छोटा डायमीटर होता है माइजल्स जो है वो एक सॉरी माइजल्स जो है वो एक क्या है ए, ये एक एयरबोर्न डिजीज़ है नेक्स्ट का एस्ट्रोजन आएगा स्टीरोइड है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम आएगा नेक्स्ट का सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इजी क्वेश्चन थे नेक्स्ट वन ओम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे तो वन वोल्ट पर पेयर आ जाएगा आर डी एक्स एक्सप्लोसिव के रूप में यूज होता है बायोकेमिकल के कंपाउंड तीनों तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को किस में किससे डिफाइन करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को ई बी टी से डिफ़ाइन करते हैं ए एन आई सी ओ किसने बनाया था सी आंसर आएगा जे प्रेस ने सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है टी बी है और आर ओ परमानेंटली स्टोर्ड इन आर ओ एम इन फॉर्म ऑफ फर्मवेयर कहते हैं फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस होती है डिवाइड करने की नेक्स्ट का रोम आएगा नेक्स्ट का पिक्सल आएगा जो को हम इमेज में यूज करते हैं डेंसिटी ऑफ पिक्सल होने कंप्यूटर स्क्रीन डी पी आई इमेजर है ठीक है नेक्स्ट का रिलेशन डाटा बेस आएगा नेक्स्ट का वर्ड डूज दी सर कल्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आएगा ठीक है नेक्स्ट का आएगा पैकेट प्रोसेस टी जी थर्टी सेवन है ये किसकी ये क्रॉप की ब्रीड है ये है वैरायटी uh, है सॉरी ये ग्राउंड नट की है नेक्स्ट अरहर की दाल लाल होती है ना तो रेड ग्राम कहते हैं द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन सीड मूंग बीन सीड के अंदर कौन सी होती है इसके अंदर यह होती है एपी हाइपो सील ठीक है द सोयाबीन हैव डेस परसेंट प्रोटीन कंटेंट फोर्टीन फोर्टी परसेंट होता है वैसे तो इसके अंदर थर्टी सिक्स से फोर्टी फोर होता है पर एवरेज हम फोर्टी ले, ले लेते हैं ग्राउंड नट सीड नॉर्मली कंटेंट्स इसके क्वेश्चन में डाउट है पूरी तरीके से ठीक है पर इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर मुझे दिखाई दे रहा वो थर्टी फाइव टू फिफ्टी नेक्स्ट का कॉटन मालवी मालवीसियाई फैमिली से बिलोंग करता है टॉपिंग रिमूवल ऑफ टर्मिनल बर्ड्स ठीक है टू फोर डी ये वी डी साइड है फर्स्ट इरीगेशन ये कब होता है ये बीस से पच्चीस दिन की जब बॉयी होती है उसके बाद क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं तब करते हैं राज सैंतीस पैंसठ ये कौन सी किसकी वैरायटी है ये वीट की वैरायटी है भदावरी ये अब लगभग खतरे पे है ये जो ब्रीड है बफेलो की सबसे ज़्यादा फैट परसेंट देती है ये यूपी की ब्रीड है पर अब ये खतरे पे है ठीक है इनमें से सबसे बढ़िया ब्रीड कौन सी है थार पारकर ब्रीड है ठीक है ये एक मिल्च ब्रीड है हरियाणा जो है वो ड्यूल पर्पज ब्रीड है स्केबिज फीवर ये मेनली डॉग्स में होता है ये वायरस के कारण होता है ठीक है हाउ मच ऑफ इसका रियल आंसर आएगा डेढ़ के से दो के पर इसमें वो दे नहीं रखा तो मैं एक से डेढ़ के जी पे जा रहा हूँ नेक्स्ट का आंसर आना चाहिए थर्टी सिक्स टू फोर्टी मंथ्स ठीक है हेफर की पहली बार जब भी है उसको ठीक है इनमें से कौन सी फॉन ब्रिड है जर्सी है फॉर्न ब्रिड है इंग्लिश ब्रिड है हैवी काउ कांकरेज है गुजरात की ब्रिड है वन क्वान्टिटी बेसिस फॉर शोटिंग जीनोलॉजी वंशावली चेक करते हैं हम मिल्च ब्रिड ऑफ काउ साई वाला है ठीक है और इनमें से जो और हैं डांगी होगी ये मालियम में आती हुई ये डूल परपज ब्रीड है बदावरी का सबसे ज़्यादा फैट होता है ये थर्टीन परसेंट तक जा सकता है साढ़े बारह परसेंट तक जाता है पर साढ़े बारह परसेंट नहीं है तो थर्टीन परसेंट पर हमको जाएंगे नेक्स्ट का लाइक आएगा नेक्स्ट का कलमिनेट आएगा रिलायंस की स्पेलिंग सी है अगले का बी आएगा ये हमने एक्टिव पैसे वॉइस बनाने थे तो इन, द इंटायर ब्लॉक विल भी डोमिलिस्ड हो जाएगा दिस सर्फेस फील स्मूथ दिस सरफेस इज स्मूथ वैन इट इज़ फेल्ट फर्स्टरिंग फर्स्टिंग होता है उसको बढ़ावा देना तो नर्चरिंग आ जाएगा प्रोपेल होता है चलाना ड्राइव भी चलाना होता है बियर और बर्थ होएगा नेक्स्ट का कोट होएगा सो so, ये थी इसकी आंसर की थैंक यू सब्सक्राइब दी चैनल